बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सैयद आज़रमी नाज़र। पेश है अब तक की हेडलाइन। जनरल नदीम रजा की ज़ेर सदारत फौजी क़यादत का इजलास, बनू मुसल्ला फौज के सरबराह शरीक हुए। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर जायजा लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर को टेलीफोन करते हुए मुसलसल पांचवीं मरतबा नून लीग की जानिब से जनरल सीट पर सेनेट का टिकट जारी करने की खुशखबरी सुना दी। जिला दादू के खेरथर पहाड़ों पर वाकई मशहूर औलिया सैयद गाजी अल मारूफ गंज बख्श का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया गया। खैरपुर नाथन शाह और मेयर समेत जिला दादू में चोरी डकैती लूटमार के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में वकला बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहले टी20 मैच के दौरान मॉडल ऑर्डर बल्लेबाज हुसैन तलत के स्टैम्प आउट के फैसले पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के इंतजामिया ने वाजे किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा भी सदर मुंतखब हो जाए तब भी वो उनका ट्विटर अकाउंट बहाल नहीं करेंगे। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए।